हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। सो आप भी सुबह का टाइम है और मैं सुबह के टाइम आपको किचन में ही दिखाई दूंगी। तो देखिए, मैंने अभी सुबह के मेरा जो रूटीन है सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए, वो अभी मेरा रूटीन आप देख सकते हो कि मैं आज बना रही हूँ बैंगन का भरता। सो जो कि मैंने बैंगन कुकर में डाल दिए है, अब मैं इसको ढक्कन लगा देती हूँ। आज सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा है, बाहर बारिश लग पड़ी है। अभी धीरे धीरे बारिश लगी है लेकिन तेज़ हो रही है, बादल बहुत ज़्यादा है। सो बारिश कल भी मौसम में थोड़ा सा चेंज था, कल भी बादल थे लेकिन कल बारिश नहीं हुई थी और आज भी बादल है तो आज बारिश हो रही है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बारिश। ये देखिए कैसी बारिश हो रही है। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है तो आज हम लंच नहीं करेंगे, आज मैं बनाऊंगी सैंडविच। बनाने के लिए हमने ये लिए हैं खीरे, टमाटर, प्याज और एक नींबू, और ये रहा हमारा सैंडविच का ब्रेड। ये हमारा होममेड स्पेशल मसाला है और इसमें है काली मिर्च। तो हम जो भी सैंडविच में डालेंगे, ग्रीन चिल्ली नहीं काटी। तो चलिए, ये रहे हमारे सारे सैंडविच बनाने के इंग्रेडिएंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो ये देखिए, अभी हमने इसके ऊपर देसी घी, थोड़ा थोड़ा सा देसी घी लगा दिया है। अब हम चार चार पीसेस खीरे के लगा रहे हैं। मम्मी के बीच प्याज टमाटर मत पाते। क्योंकि हमने इस सैंडविच में प्याज नहीं, टमाटर नहीं डाला है, तो ये हमारी मम्मी के लिए है क्योंकि मम्मी टमाटर नहीं खाते हैं। तो बाकी सब में डाल दिया है। अभी हम डाल रहे हैं इसमें हल्की हल्की काली मिर्च, ये सेंधा नमक, अब हम डाल रहे हैं इसमें हमारा घर में बनाया हुआ ये स्पेशल मसाला। अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट इसमें डल चुके हैं, तो अब हम इनके ऊपर रख देते हैं दूसरी ब्रेड की लेयर। तो अभी हमने सैंडविच को तवे में रख दिया है, पहले इसके नीचे हमने देसी घी का कोट किया है और फिर ऊपर सैंडविच को रखा है।
तो देखिए अब हमारे जो सैंडविच बनके तैयार हो चुके हैं और ये है मम्मी के लिए और ये आप देख सकते हो सारे सैंडविच बनके तैयार हो चुके हैं। अब हमने दूसरी तरफ चाय रखी हुई है, हमारी चाय भी बस थोड़ी सी उबल रही है तब हम अब देखिए मेरी चाय बनके तैयार हो चुकी है। तब हम इनको कप में डाल लेते हैं। अब हमारे सैंडविच बनके तैयार हो चुके हैं तो हम अब इसको खा के बताते हैं कि ये कैसे बने हैं। आप भी आ जाइए, इंजॉय करते हैं। जो अभी सैंडविच बनाए थे वो बहुत ही टेस्टी बने थे, तो हमने चाय के साथ इनको इंजॉय किया। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ और उम्मीद है आपको कि मेरी आज की जो मैंने सैंडविच की मैंने आपको रेसिपी बताई है बिल्कुल इजी तरीके के सैंडविच बनाए थे मैंने, कुछ ज़्यादा उसमें नहीं था, आपको पसंद आए हो। सो कल मिलेंगे अपनी वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय।